बातों के शेर को दौड़ते देखा है क्या आपने? नहीं देखा, देखना है तो चलिए झांसी। अरे अरे, गांव में पेरिस जैसी सड़क, और ये क्या, बीच बीच में पनामा नहर का रास्ता भी खुला है। बस इसमें योगी जी दो चार नाव उतार देते तो काम बिल्कुल हो जाता। अरे भाई हंस रहे हैं आप, ये झांसी जिले के बबीना ब्लॉक का सरवा गांव है। ये ऐसा वैसा गांव नहीं है, मोदी जी के सांसद अनुराग शर्मा ने इस गांव को गोद लिया है, बोले तो मॉडल गांव। अस्तित्व न्यूज संवाददाता जब गांव में पहुंचे तो सबसे पहले हमारा सामना हुआ ग्राम प्रधान से। हमें लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान खुद बीजेपी से हैं। हमने उनसे पूछ डाला कि आपके सांसद कहां गायब है। बस पूछने की देरी थी, दुखड़ा सुनाते सुनाते दिल निकाल कर रख डाला ग्राम प्रधान ने। प्रधान जी, आपका गांव तो वीआईपी गांव है, सांसद जी ने गोद लिया है। गोद तो लिया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ गोद लिए। क्यों? अरे कोई काम ही नहीं। तो नहीं तो आप ही तो उसी पार्टी से हैं, तो पार्टी से है जरूर है। तो जैसे आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे कि क्या होना? उम्मीद तो बहुत अच्छी सोची थी, अकेले उनने आज तक कोई ऐसा काम नहीं करवाया। एक तो पंचायत भवन होना चाहिए अच्छा, पंचायत भवन नहीं है, और सड़कें मड़के सब ठीक ठाक हैं, ना सड़कें दी उनने, एक सड़क नहीं दी सांसद जी ने। आपके तो गांव में सारी सड़कें खराब हैं, सब पूरी सारी व्यवस्था फैल है। इस गांव को 2019-20 में आदर्श गांव के लिए चुना गया, लेकिन इन रास्तों से चलते हुए जुमलेबाजी याद आने लगती है जो पिछले 5 सालों से आम जनता झेल रही है। मोदी ने कहा था सांसद गांवों को गोद लेकर तस्वीर बदल दे, सचमुच तस्वीर बदल गई। पूरे गांव की टूटी सड़कें और सड़कों पर बहती नालियां इस गांव की दुर्दशा की कहानी बयां करती है। इसी गांव में हमारा सामना हुआ एक बूढ़ी अम्मा कमला से। कमला 80 बसंत से ज्यादा देख चुकी है, गुस्से में है। उनके मुताबिक ना बिजली आती है, ना ही पानी, और ना ही सड़क ठीक है, ना वृद्धा पेंशन मिलता है। सांसद जी ने गांव लिया है, कुछ काम वाम हुए हैं? काम का कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं करा काम। क्यों, सड़क वड़क नहीं बनी है? नहीं। तो अब बिजली? बिजली तो सब आती है, कभी चली जाती कभी आती है, अब ये समस्या। पेंशन मिल रही है आपको? नहीं भैया, हमको नहीं मिल रही। चाहिए है? चाहिए नहीं है। आपने किसी से कहा है? जी प्रधान से बोल रही थी, जिनसे भी पहले आते जिनसे सुनने नहीं बनाई। अच्छा, गांव में इलाज की व्यवस्था है कुछ? नहीं, कुछ नहीं है भाई साहब, गांव में अस्पताल बना? बिल्कुल नहीं है। अस्पताल है? अस्पताल बने, उसमें ना तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं है, ना उसकी झराई ना फुकाई, ऐसी गंदी जगह। इस गांव को एक पक्की सड़क जाती है, सड़क के ठीक बगल में बड़ा सा शिलापट लगा है जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में अनुराग शर्मा का नाम लिखा है, लेकिन ये सड़क भी अब उखड़ने लगी है। शिव कुमार सेन इसी गांव में रहते हैं, लेकिन किराए के मकान में। इनका अपना घर भी है पर रहने लायक नहीं बचा, इतने पैसे नहीं कि सिर ढकने के लिए छत बनवा सके। प्रधान से लेकर सांसद तक प्रधानमंत्री आवास की गुहार लगा चुके हैं, आज तक नहीं मिला। सांसद के गोद लिए गांव की हालत ऐसी है कि कोई बीमार पड़ जाए तो वक्त पर इलाज भी नहीं मिल सकता। उम्मीदें आप लोगों ने रखी थी सांसद जी से जो पूरी नहीं हुई, और क्या कहना चाहेंगे? हमने आपसे ये उम्मीद रखी थी कि देखो गांव का विकास भी होना चाहिए, आवास भी होना चाहिए, तो हम लोगों को हमारे पास ना कोई जमीन है ना कोई किराया, हर में हरज जा ना गांव में मरज जा, उसके कुछ नहीं है। तो हमारे गांव में किराया रहते हैं? हाँ, अभी अभी सर किराया से दे रहे, 4 साल हो गया। आप इसी गांव के रहने वाले? हम इसी गांव के रहने वाले हैं। नहीं तो मकान वकान नहीं मिला? नहीं नहीं सर। तो आपने कभी बात की किसी से? हाँ की। किससे? प्रधान जी से भी की और सांसद जी से की। क्या समस्या आ रही है? अब ये समस्या आ रही है कि आवास नहीं आ रहा। अच्छा हाँ। अच्छा, बाकी चीजों की स्थिति क्या है? बिजली वगैरह की? बिजली वगैरह की कट रही आ रही नहीं है भैया। और इलाज, इलाज के मामले में? इलाज के मामले, इलाज के मामले में कुछ नहीं है। कोई कुछ हमारे के से कुछ नहीं है। इलाज की क्या व्यवस्था है? इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। इसी गांव में जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बीच सड़क पर ही नालियां बहती दिखाई पड़ेंगी। यहीं एक घर के सामने बैठे कामता प्रसाद कैमरा देखते ही बोल पड़े, अजी कुछ भी नहीं बदला। उनके बोलने के अंदाज पर सरकार और सांसद दोनों को गौर करना चाहिए। कामता प्रसाद की शिकायत है कि गेहूं, मूंगफली और उड़द उगाते हैं, लेकिन आज तक सरकारी रेट नहीं मिला। सरकार ने तो 2022 तक आमदनी दोगुना करने का वायदा किया था, आज पूंजी निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जो गांव है तो वीआईपी गांव है? वीआईपी कहाँ है? सांसद जी ने गोद नहीं लिया? गोद लिया तो कहाँ है? नहीं, जो कह रहे गोद तो ले लो, लेकिन जामे तो जैसे तैसे हैं, जैसे पहले हैं तो जैसे अभी हैं।
आप क्या करते हैं? खेती कर। तो क्या क्या उगाते हैं? गेहूँ की उगाते हैं, मूंगफली और दावी। तो कुछ फायदा नहीं हो रहा उससे? अरे फायदा क्या हुआ, जो पहले हुआ था वही अभी हो रहा है। जैसे सरकारी रेट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे हमने कभी अब तक सरकारी रेट देखी है कितने है। तो सरकार तो इतना कह रहे हैं कि हम सरकारी रेट में बेच रहे हो, ये कहाँ बेच रहे हैं? हम तो कुछ बेच ही नहीं कहते दुकान पे। तो मतलब आपने प्रयास नहीं किया होगा? प्रयास तो करते हैं लेकिन कागज मागज नहीं बना। तुम कागज बना के ले, कागज बना के ले, जब तक नंबर ही नहीं लगता क्या करें। तो फायदा हो रहा है जैसे कि सरकार के हमारे यहाँ हो जाएगी हमारी, हमारे तो सब आमदनी और नीचे चली गई। वो तो छोड़ो, फायदा की दवा छोड़ो, आप नीचे चली गई आमदनी, कहाँ मिल रही बताओ। पहले इससे पहले तो गोद नहीं लिया, इसके पहले तो गेहूँ जब सरकार नहीं थी, जब इस टाइम 25 रुपए किलो 26 रुपए किलो बिक जाती थी गेहूँ। अच्छा। आज 16-17 बिक रही है। अब बताओ कितनी फायदा हो रही है हमको। कामता प्रसाद से कुछ ही दूरी पर हमें राम सहाय भी बैठे मिल गए। राम सहाय ने बताया कि सांसद ने 2 स्कूल बनवाए लेकिन अस्पताल बंद पड़े हैं, सड़कें खराब पड़ी हैं, आज तक रसीद नहीं दी गई जिससे सरकारी क्रय केंद्र पर फसल बेच सके। नाराजगी का भाव ज्यादा था, निराशा ज्यादा नजर आई। हमें तो कोई मैसेज जो पहले था सो आ गए है, कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? जैसे स्कूल है और स्कूल फिर खुद ने बनवा दिया, दो बनाई। अच्छा, बन गए। बन गए। अस्पताल का क्या हाल है? अस्पताल बंद पड़ी और सड़कें पूरी खराब पड़ी हैं, देखो घूम के देखो। और जैसे आप खेती होती जो करते हैं, हाँ, तो फसलें तो बिक रही हैं टाइम से। टाइम से जब हमें बेचें, जब बाणी ने दे रहा है हमको, कस्टम से का बेच नहीं। वहाँ सरकारी में नहीं बेच रहे? हम नहीं बेच रहे। क्यों नहीं बेच रहे? अभी कागज नहीं, पीछे कागज बनवाने का फलान ले चीज ले आओ, जो ले आओ। तो नहीं, जैसे तो सरकार तो कह रही है कि वो आप जो फसल उगा रहे हैं उसमें आमदनी बढ़ गई, कुछ नहीं बढ़ी। हम यहाँ से आगे बढ़े तो थोड़ा आगे लखन सिंह मिल गए। कैमरा देखते बोल पड़े, सांसद की मेहनत की वजह से ही सबको कोरोना की वैक्सीन लग गई। लखन सिंह तो गांव की बदहाली का ठीकरा आम लोगों पर ही फोड़ने लगे। उनके मुताबिक किसी ने आज तक सांसद से शिकायत ही नहीं की होगी, इसलिए गांव में सड़क नहीं बन पाई। अगर आपको शुद्ध भक्त की परिभाषा समझनी है तो लखन सिंह इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले सांसद की तारीफ में कसीदे पढ़े, फिर धीरे से कहते हैं जी पानी की सप्लाई ठीक नहीं, कई जगहों पर पीने का पानी ही नहीं मिलता। का तो ये गांव वीआईपी गांव है, सांसद जी ने गोद लिया है। जी जी। तो किस तरह के फायदे मिले हैं? फायदे क्या हैं सब, यही फायदे हैं। अभी देखो आप, सांसद जी के द्वारा जो वैक्सीन वगैरह सरकारी लाभ तो हुई है, लेकिन जो अपने जो सड़क वड़क का निर्माण है, जो काफी काम दिए थे हमारे यहाँ लोग बागों ने, गाँव वालों ने मांग की थी, तो शायद वो खबर सांसद जी तक ना पहुँची हो, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। और कुछ क्या क्या समस्या है? पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है सर, यहाँ तो ठीक है। इस मोहल्ले में मान लीजिए आप बकाया की और जो अपने गांव में थोड़ी दिक्कत है कई जगह। क्यों दिक्कत है? वहाँ पानी की व्यवस्था जो जो बोर होते हैं ना, ये हैंडपम्प वाले प्रधानमंत्री से होते हैं, तो वो सक्सेस कम होते हैं, वहाँ पानी कम निकलता है। सड़क वगैरह भी देख रहे हैं? सड़क साफ, ये समझो कि जो पाइपलाइन आ रही ना पानी की, जिला अंडर रही सरकारी, इसने तो वो पूरी दुर्गति कर रखी है। यहाँ से वहाँ तक निकल नहीं पाता है, वो बड़ी समस्या है। काफी बार कह चुके कि भैया इसको ठीक कराओ, ठीक कराओ। अब जब भी ठीक हो जाए, अब राम जाने कब होगी पता नहीं। दिक्कत तो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सांसद जी की तरफ से बिल्कुल हमारा गांव बढ़िया रहा। हालांकि इसी गांव में कुछ ऐसे किसान भी मिल गए जो हमसे ही पूछने लगे कि सरकारी क्रय केंद्र कहाँ है, कहीं देखा है क्या आपने? अगर आपको पता मालूम हो तो हमें बता दीजिए, हम अपनी फसल बेच आएंगे। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि मॉडल गांव में कितना विकास हुआ। आपका नाम क्या है? मोहन सिंह। मोहन सिंह, मोहन सिंह जी आप ये दुकान चलाते हैं? हाँ, खेती खेती करते हैं। और अच्छा, खेती भी करते हैं। हाँ, कौन सा गांव है? सरवा गांव। तो आपका गांव तो वीआईपी गांव है? काय को वीआईपी का, जो दिखा नहीं रहा वीआईपी में। क्यों, सांसद जी ने गोद लिया? गोद तो लिया है, लेकिन जो आपको नहीं दिखा रहा आपको। नहीं, कौन कौन से काम हुए? काम तो हमें ना तो कछु नहीं भाई, फिर दिखावे वो सब कछु, वो तो कछु नहीं होता। अच्छा, खेती आप कर रहे हैं? हाँ। क्या उगाते हैं? पिछी उगाते हैं और बस पिछी कर पाऊते, वो कछु नहीं कर पाऊते। उसकी सही हो रही है, दाम मिल रहा? अब एक का दाम हो जाए तो ठीक ही ठाक है। नहीं, वो डबल आमदनी की बात हो रही थी। डबल आमदनी को करा रहा हूँ। सरकारी केंद्र पर नहीं बेच रहे आप? कितने सरकारी केंद्र, पता नहीं कितने है गाँव कितने। अच्छा, नहीं। हाँ, किस रेट में बेच रहे आप? ये गाँव के व्यापारी खरीद ले जाते हैं। गांव में हम घूमते गए तो हमें कुछ अच्छी चीजें भी नजर आई, जैसे सोलर पंप लगा था जिससे गांव के लोगों को पानी की सप्लाई हो सकती है, 2 स्कूल चमचमा रहे हैं और उसमें पढ़ाई भी होती है, एक सामुदायिक शौचालय भी बनकर तैयार है,
लेकिन ये क्या, उस पर ताला लटका रहता है। आज तक वो आम लोगों के इस्तेमाल में कभी आया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सांसद के गांव की कहानी सिर्फ हाथी के दांत की तरह है। बस मन ही मन गुलगुल्ले फोड़ते रहो और मॉडल गांव में रहते रहो और मॉडल गांव रटते रहो। ऐसे ही जुमलेबाजी के दिए तले रहने वालों को अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। सिर्फ मॉडल गांव ही क्यों, किसी भी सांसद से पूछ लो, बताओ बताओ मोदी जी की स्मार्ट सिटी कहाँ है, उसके बाद देखिए उसे दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं या नहीं।